गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक न्यू बॉर्न रिसेप्शन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम गर्भवती डिलीवरी के दौरान सभी की भागीदारी रहती है। इंडिकेशन ऑफ रिसेप्शन इन नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर द बर्थ, फर्स्ट ऑफ मेकोनियम, जैसे कि हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम मेकोनियम को इंडिकेट करते हैं, स्किन कलर्स को करते हैं, एनी इन्फेक्शन, एनी मार्बोलिटी या एनी डिसऑर्डर, एनी ब्लीडिंग या सीवियर एस्पेक्सिया, इन कंडीशन में हम रिस्ट्रिक्शन को इंडिकेट करते हैं या असेसिंग करते हैं। और जो रिस्ट्रिक्शन है वे गुड एनेटल केयर असेसमेंट पे ही डिपेंड करता है। अब लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। रिस्ट्रिक्शन यानी ए प्रोसीजर ऑफ रिस्टोर ऑफ लाइफ एज इन CPR, यानी लाइफ को रिस्टोर करने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं उसको कहते हैं रिसक्सीटेशन, यानी कार्डियोपुलमोनरी रिसक्सीटेशन। कार्डियोपुलमोनरी रिसक्सीटेशन मतलब कार्डिक यानी हार्ट, पुलमोनरी यानी लंग्स, एंड रिसक्सीटेशन यानी रिकवर। नेक्स्ट लेते हैं हम जो है न्यूबॉर्न रिसेप्शन के हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहले लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ रिसक्सीटेशन, जिसमें क्या होता है कि हमें कंडीशन को एसेस करना होता है कि रिसेप्शन कंडीशन है कि नहीं। उसके लिए हमें सभी इक्विपमेंट्स जो रिसक्सीटेशन के द्वारा यूज होते हैं उनको हमें तैयार करना पड़ता है, और जो हीट प्रोवाइडर है ये रेडियन वार्म है उनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, और वन पर्सन यानी एक ऐसा पर्सन जो रिसेप्शन को प्रोसीजर के और सभी इक्विपमेंट जो जहाँ है उसको जानता है, तो उसे वहाँ अवेलेबल रहना हो बहुत जरूरी है, यानी उसका होना वहाँ बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ रिसक्सीटेशन। इसके अंदर हमने तीन चीज़ें हैं कि एक तो ये हो गया कि वहाँ पे जो भी रिसेप्शन में जो इक्विपमेंट्स यूज आ रहे हैं उन्हीं सभी को हम प्रिपेयर कंडीशन में ऑन द स्पॉट जो होना चाहिए। दूसरा, जो मोस्ट ऑफ पर्सन जो उन्हीं सभी इक्विपमेंट्स को जानता है अच्छी तरह से उसी को वहाँ होना चाहिए। दूसरे, जो हीट वार्मर है जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो वहाँ वार्मर अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। पहले लेते हैं इसमें सक्शन इक्विपमेंट। सक्शन इक्विपमेंट पहले लेते हैं मेकोनियम एस्पिरेटर, यानी मेकोनियम, जैसे आफ्टर द बर्थ हमने देखा है कि कोई इन्फेंट या न्यूबॉर्न एस्पिरेट कर लेते हैं मेकोनियम को, तो उसके लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है या सक्शन करके हमें उसको मेकोनियम को रिमूव करना पड़ता है, उसको कहते हैं मेकोनियम एस्पिरेटर। नेक्स्ट लेते हैं मैकेनिकल सक्शन। मैकेनिकल सक्शन में क्या होता है, ये एक सक्शन मशीन से जिसके द्वारा हम जो भी एस्पिरेट है जो बच्चे ने एस्पिरेट किया है उस किसी प्रकार के हर चीज़ की प्रोसीजर को एस्पिरेट रिमूव करने के लिए हमें यूज करते हैं, जिस पर प्रेशर रखते हैं सक्शन मशीन का 80 mm of g। नेक्स्ट है आपके सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग सक्शन हमें अलग अलग टाइप्स के सक्शन कैथेटर यूज करने पड़ते हैं, और हर सक्शन के बाद हमें नया सक्शन यूज करना होता है, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के सक्शन कैथेटर होते हैं। नेक्स्ट होती है फीडिंग ट्यूब्स। फीडिंग ट्यूब्स इसलिए क्योंकि इस कंडीशंस के अंदर ड्यूरिंग हमें फीडिंग जो कराई जाती है बच्चे को, तो फीडिंग्स होती है 6 pounds यानी 6 size की होती है, और जो सीज लेते हैं हम फीडिंग कराने दौरान वो होती है 20 ml। नेक्स्ट लेते हैं इसमें हम बैग एंड मास इक्विपमेंट्स। बैग एंड मास इक्विपमेंट्स में जो एक बैग होता है जो रिसेप्शन एम्बू बैग जिसको कहते हैं, जिसको अप्लाई करने की जो कंडीशन होती है नेक टू चिन वो उसके अंदर होता है, और मास्क जो अलग अलग होते हैं जैसे वेंटी मास्क बच्चे के अकॉर्डिंग 0 size या 1 size मास्क होते हैं वो सभी हमें उस बैग के अंदर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है आपके इंटूबेशन इक्विपमेंट। इंटूबेशन में सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इक्विपमेंट्स है वो है लैरिंगोस्कोप्स। लैरिंगोस्कोप्स जो अलग अलग साइज के आते हैं, जिसमें हम साइज वन में हम 10 cm और साइज जीरो में हम 7.5 cm यूज करते हैं। ड्रम ऑफ डी ड्रम ऑफ मेचर्स में ये 6 cm यानी 0 size में अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके इसमें लैरिंगोस्कोप के साथ में जो बल्ब जो ब्लेड्स जो बल्ब होते हैं वो, और उसकी बैटरी जो लैरिंगोस्कोप के साथ में होते हैं। दूसरा स्टेलेट जो करता है जो एटीट्यूब्स को डालने के लिए यानी इंटूबेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए उसको इसलिए काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट होता है इसमें
आपके ई टू ट्यूब भी कंडीशन टू इन्फेंट यानी न्यू बॉर्न के अकॉर्डिंग यूज करती है, जैसे अगर या गेस्टिंग वीक्स के अनुसार अकॉर्डिंग यूज करती है। अगर बच्चे का वेट 1 kg है तो ढाई नंबर की ट्यूब यूज करते हैं, अगर बच्चे का वेट 2 kg है तो 3 नंबर की ट्यूब यूज करते हैं, एंड बच्चे का वेट अगर 3 kg है तो 3.5 ट्यूब की यूज करते हैं, अगर बच्चे का वेट 3 kg से ऊपर है तो 4 नंबर की ट्यूब यूज करते हैं, ईटी ट्यूब। नेक्स्ट है आपके मेडिकेशंस में सबसे पहले देते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करता है, हार्ट बीट को अगर 60 से कम है तो उसको बढ़ाता है, तो एपिनेफ्रिन यूज करते हैं, उसको रूट करता है एपिनेफ्रिन को देने का आईवी या अम्बिलिकल कॉर्ड वेन द्वारा या ईटी ट्यूब के द्वारा भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम सोडा बाइकार्बोनेट। अगर किसी प्रकार की कोई ब्रीथिंग नहीं है तो हम सोडा बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, उसको देने का जो रेशियो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, एंड 0.3 मिलीलीटर पर केजी मिनट के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट आपके हैं डिस्टिल वाटर, जो यूजिंग ऑफ द एवरी इंजेक्शन टू डायल्यूट इन आई वी लाइन। नेक्स्ट है आपके विसेलिनियस में सभी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स या सभी प्रकार के जो ग्लव्स है, गॉज है, सिरिंज है, या स्टेटोस्कोप्स है, या ये सीजर्स है, या ग्लव्स है, और एडिसिव टैप्स है, ये सभी यूज करने के हम इस सोल्यूशन में लेके इसको प्रिपेयर करते हैं इस सोल्यूशन के हिसाब से। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट TABC यानी टेम्परेचर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। टेम्परेचर जैसे आप तरह बात हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बाय हीप या रेडियन बॉर्न के द्वारा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तब हाइपोथर्मिक कंडीशन हो सकती है, उसके लिए हमें जो वेट लीनर है उसको हटा के हमें ड्राई लीनर में बच्चों को कवर करना पड़ेगा, उसके लिए होगा फर्स्ट टेम्परेचर मेंटेन। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि हमें तुरंत जो वेट लीनर है उसको हटा के ड्राई लीनर में हम बच्चों को कवर करना होता है, दूसरा उसको हीट वार्मर दिया जाता है ताकि वे हीट टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट है एयरवे की कंडीशन क्या होती है, इसमें हम टेक्सटाइल एयरवे स्टिमुलेट एयरवे देते हैं। टेक्सटाइल का मतलब टच करके, बच्चे को टच करके ब्रीथिंग दी जाती है, जैसे कि हम यदि आपका लगभग हम देखा होगा आपने कि बच्चे को साइज पे उठा करके उसके पीठ पे हाथ को रख दिया जाता है, सेकंड उसमें क्या किया जाता है कि जो सोल है उसके ऊपर हाथ को रख दिया जाता है, थर्ड में उसको उसके सोल के ऊपर स्लिंग की जाती है यानी उंगली से टच किया जाता है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, हम सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए या तो चेस्ट कंप्रेस या ब्लड या मेडिकेशन का यूज कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन के द्वारा आपके बच्चा जो हार्ट रेट है वो स्टिमुलेट रहती है या सही रहती है, तो हम बच्चे को बताइए, तो अगर हार्ट रेट मेंटेन नहीं रहती तब हम आगे बढ़ते हैं और डिसीजन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके स्टेप्स ऑफ रिसक्सेशन। पहला है पोजिशनिंग, आफ्टर द बर्थ हम न्यूबॉर्न की सबसे पहले पोजीशन को एक्सटेंड करते हैं, फ्लेक्स करते हैं ताकि वे ब्रीथिंग में उसको काफ़ी रेस्पिरेशन में काफ़ी आराम दे सके, ताकि ब्रीथिंग साइड आराम से इफेक्टफुल हो सके, या हम शोल्डर नेक रोल यूज करते हैं ताकि पोजीशन को हम मेंटेन कर सकें। तो नेक्स्ट में पोजीशन में जो नेक को एक्सटेंड कर देते हैं और जो पोजीशन है वो रहती है स्लीपिंग पोजीशन में, हम उस बच्चे को स्लीपिंग पोजीशन में बच्चे को हम रखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम सबसंगी में क्या करते हैं कि जैसे कोई बच्चा जब एस्पिरेट करता है कुछ चीज़ें जैसे एमनियोटिक फ्लूइड है या मेकोनियम है, उनको एस्पिरेट करने के लिए हम सक्शन यूज करते हैं। सक्शन में हम जो सक्शन दो टाइप से करते हैं, या तो नेजल से करते हैं या माउथ से करते हैं। नेजल से अगर हम सक्शन करते हैं तो वे जो उसकी कंडीशन रहती है ट्यूब्स डालने की वो 3 सेंटीमीटर रहती है, अगर माउथ से करते हैं तो 5 सेंटीमीटर कंडीशन रहती है, उसके दौरान हम सक्शन कर सकते हैं ताकि उसको ब्रीथिंग में काफ़ी इम्प्रूव मिले। नेक्स्ट है ड्राई स्टिमुलेट या रिपोजिशन। ड्राई स्टिमुलेट यानी कि हम किसी पोजिशन स्टिमुलेट आफ्टर द बॉर्न हीट मेंटेन करने के लिए या टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ड्राई हमें बहुत जरूरी है बच्चे को रखना, उसके लिए हमें जो
जो बेबी पे कवर्ड कुछ है स्किन वाइज सबसे उसको हमें सबको ड्राई करना पड़ेगा, उसे कपड़ों को पोंछना पड़ेगा, एक दिन से हमें उसको ड्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट में रहेगा इसमें एक रिपोजिशन। नेक्स्ट ये रिपोजिशन ये रहता है कि किसी 82 को डालने के लिए दोबारा हमें रिपोजिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे ये रहता है कि हमें 82 डालने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए रिपोजिशन भी जरूरी है। नेक्स्ट है प्री फ्लो ऑक्सीजन। प्री फ्लो ऑक्सीजन यानी हम प्री फ्लो ऑक्सीजन को मैथड से हम ऑक्सीजन देते हैं बच्चे को, या तो बाय हैंड, हैंड में हम नेक को ठीक करके रखते हैं, और या वेंटिंग मास्क के द्वारा हम बच्चे को ऑक्सीजन दे सकते हैं, या सीपैप के द्वारा हम बच्चे को ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसमें जो है प्री फ्लो ऑक्सीजन। नेक्स्ट होता है आपके फिफ्थ पॉइंट मेथड। इन सभी कंडीशन के बाद में अगर लगता है कि हमें बच्चे के हार्ट रेट में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वही कंडीशन रही है, जो हार्ट रेट डाउन चल रही है, तब हम मेथड की ओर जाते हैं। मेथड्स में क्या रहता है, यानी इसमें ये रहता है कि 90 कंप्रेशन दिया जाता है 30 वेंटिलेशन पे, यानी 90 कंप्रेशन दिए हैं 30 वेंटिलेशन में, यानी जो रेशियो रहता है 3:1 वो का रहता है, यानी 90 कंप्रेस चेस्ट कंप्रेस इन 30 वेंटिलेशन। जो मेथड ये होता है, दो टाइप से हम इसको कंप्रेस करते हैं, पहला थंब, नेक्स्ट है दो टू थंब से, और दूसरा टू फिंगर से। तो इसमें ये हो गया। अब नेक्स्ट होता है इसमें कैसे कंप्रेस करते हैं, स्टेलियम के लोअर पार्ट को हम कंप्रेस करते हैं, यानी 1/3 या 1/4 का 3/4 हिस्सा या आधा हाथ को हम स्टेलियम के भाग को कंप्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका मेथड। तो ये हो गया आपके न्यूबॉर्न रेजिस्टेशन। ये इसी स्टेप्स ऑफ द कंप्लीट द न्यूबॉर्न रेजिस्टेशन। थैंक यू एवरीवन।